नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं एग्जिट पोल से। एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं, नतीजों से पहले क्या उन एग्जिट पोल पर विश्वास किया जाए, क्या ये एग्जिट पोल सही है? दरअसल इस तरह की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एग्जिट पोल पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, एग्जिट पोल पर जिस तरह की बातें उठ रही हैं, इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं बदलाव तो हो रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी एग्जिट पोल को देखकर भावुक हो उठी हैं। उनका ये मानना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने इतनी मेहनत की है, पार्टी जिस तरह लगातार जनता के साथ जुड़ी रही, उस जनता ने कांग्रेस के साथ धोखा कर दिया। यानी कि जीत जो है वो मुद्दों की नहीं हो रही है, जाति और धर्म की होती नजर आ रही है। तो प्रियंका गांधी ने यह कहा कि उन्हें जनता से ये उम्मीद नहीं थी, हालांकि वो एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उससे तस्वीर साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और वाकई कहीं ना कहीं जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को इस वक्त अगर 5 राज्यों की बात करें तो 4 राज्यों में कांग्रेस शानदार तरीके से जीत हासिल कर रही है, जो कि कल पता चल ही जाएगा। और ये भी साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिरकार मुद्दों को चुना या धर्म और जाति को। लेकिन एग्जिट पोल को देखकर जनता भड़क रही है, विपक्ष भी भड़क रहा है, और ये कह रहे हैं कि जो तमाम बड़े चैनल है, जो बड़े नेशनल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं आज जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और जनता इस बात से काफी नाराज है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।